So today's our topic is women health issues focus on pregnancy, right? Women ke health issues हम discuss करेंगे and most probably we are going to focus on pregnancies. Screening for a woman's health, woman's heart disease. Women's health में APTA is American Physical Therapy Association and according to that, a section was devoted for women health that was created in 1977 by Elizabeth Noble. This is just for general knowledge. इसको जो है आपने याद नहीं करना. उसके बाद कहने की जो वुमेन की हेल्थ है वो क्या क्या कंसर्न्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो इश्यूज हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वुमेन्स में ही आते हैं. उसमें फर्स्टली इज इनकॉन्टिनेंस. इनकॉन्टिनेंस इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है. उसमें ये होता है कि यूरिन की जो अर्जेंसी है वो बढ़ जाती है. यूरिन जो है वो फ्रीक्वेंटली आता है, अनकंट्रोल्ड यूरिन होता है. व्हाई? बिकॉज फीमेल्स के विद एज, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसीज एंड विद एज जो है उनके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, राइट? तो अब वो जब स्फिंक्टर्स वीक हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो उनमें इतनी पावर नहीं होती टू होल्ड द यूरिन. सो दैट्स व्हाई यूरिन की इधर अर्जेंसी बढ़ जाती है, ये अनकंट्रोलेबल यूरिन हो जाता है. दिस इज अ मेजर सिचुएशन व्हिच वुमेन हैव टू फॉलो आफ्टर हर एज 40, राइट? दिस इज इनकॉन्टिनेंस. फिर पेल्विक या वेजाइनल पेन है. उसके पेल्विस में पेन होती है, पेल्विक एरिया में या वेजाइनल एरिया में पेन होती है. प्रीनेटल एंड पोस्टपार्टम मस्कुलर स्केलेटल पेन. अब बेटा जब एक फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी के पीरियड में से गुजरी होती है उसमें क्या होता है कि उसका पॉस्चर इतना बैड हो जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वीक बेली. बिकॉज ऑफ द बेली व्हिच इज एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड, उसकी वजह से उसकी बैक के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा होता है, उसकी नेक के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है, उसको कॉक्सिक पेन हो रही होती है, राइट? फिर आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम पीरियड में ये होता है कि बेबी केयर जो है वो बढ़ जाती है. बेबी को बार बार फीड करवाना होता है, बेबी की चेंजिंग के लिए बार बार झुकना होता है. अब बेबी को फीड करवाने के लिए फीमेल्स क्या एक बैड पॉस्चर अडॉप्ट करती हैं कि दैट वो खुद जो है वो बेंड होती हैं रादर देन कि वो बेबी को लिफ्ट करके ऊपर करें विद एनी पिलो, राइट? तो पोस्टपार्टम केयर जो है उसमें फीमेल्स जो है वो बैड पॉस्चर अडॉप्ट करती हैं जिसकी वजह से उनको मस्कुलर स्केलेटल पेन स्टार्ट हो जाती है. या वैसे ही उस वक्त जो है बॉडी वीकन हुई होती है, एक ऑब्वियसली एक प्रोसीजर में से बॉडी गुजरी होती है तो वो वीक हो चुकी होती है. देन इज अ टर्म ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस अ टर्म ऑफ वीकनिंग ऑफ बोन. आपको पता है कि फीमेल्स जो हैं जब एज 40s में आप अपनी वो आती हैं उनको मेनी डिजेनरेटिव डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं. बोन्स जो है उनमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है. उसकी वजह से जो है वो इधर उसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, राइट? और ये जो बोन वीकनिंग का प्रोसीजर है इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. अब ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है कि बोन्स वीक हो गई होती हैं और विद एनी फॉल फ्रैक्चर के चांसेस, फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं. इसीलिए तो फीमेल्स के लिए रिकमेंड करते हैं कि वो कैल्शियम लाजमी लें, वो वाइटामिन डी लाजमी लें. इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनकी जो बोन वीकनिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स. बेटा इनकॉन्टिनेंस की बात हो रही है जब एज जो है वो ज्यादा हो जाती है, लाइक 40s में होती है ना फीमेल, उस वक्त स्फिंक्टर्स वीक होते हैं. प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही. प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली बेबी के वेट की वजह से जो है वो यूरिन कंट्रोल नहीं होता. अच्छा, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिनसे फीमेल गुजरती है. लाइक वो 40 से गुजरती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको डिजेनरेटिव डिजीजेस होना स्टार्ट हो जाती है, उसको जो है इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो जाती है. और वुमेन की हेल्थ के लिए ही इम्पोर्टेंट है. हम उसकी हेल्थ पे क्यों अब काम करना चाह रहे हैं कि हम इन चीजों को डिले करें, ठीक है? अब जिस तरह ये पहले 50s 60s में होती थी और अब 40s में आ गई हैं तो मतलब ये ना हो कि खुदा ना खास्ता अगर हम इन चीजों को इग्नोर करती जा रही हैं तो ये लेट 30s में ही फीमेल्स को स्टार्ट हो जाएंगे इश्यूज, राइट? दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन हेल्थ. अगर आप देखें तो वर्ल्ड में इस वक्त वुमेन हेल्थ इतनी इग्नोर हो रही है एंड दैट्स वाई एवरीबडी इज गोइंग टू फोकस अपॉन इट, क्योंकि हर किसी को पता है कि विद एवरी हेल्दी वुमेन इज अ हेल्दी फैमिली. एक वुमेन हेल्दी नहीं है तो एक हेल्दी फैमिली कभी भी नहीं बन सकती. और दूसरी बात यह कि अभी जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो मोस्टली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे HEC की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप जो है वुमेन हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस करें.
फिर आगे है कि अगर किसी की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो उसमें जो है रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जब ब्रेस्ट सर्जरी होती है तो लिम्फ जो है वो सारा कलेक्ट हो जाता है आपकी अपर एक्सट्रीमिटी में, बाजू में, उस साइड के बाजू में लिम्फ कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ एडिमा हो जाता है। ठीक हो गया। अब जो है जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है तो आप फीमेल की जो है एजुकेशन करते हैं, उसको जो है फर्दर डिसेबिलिटी से, फर्दर प्रॉब्लम से आप उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको वेलनेस की तरफ लेकर आते हैं। एक्सरसाइज फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब फाइव, टॉप फाइव जो मेडिकल कंडीशन हैं थ्रू विच अ वुमेन और अ ह्यूमन बींग इज पासिंग, नंबर वन इज हार्ट अटैक, नंबर टू इज डिप्रेशन, थ्री इज स्ट्रोक, फोर्थ इज लंग कैंसर, फिफ्थ इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड फिफ्थ इज सिक्स्थ इज ब्रेस्ट कैंसर, एंड सेवंथ इज स्मोकर्स लंग। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में आपने याद करनी है। दैट इज एविडेंस बेस्ड ये टाइप है, ये मेडिकल कंडीशंस है, एंड इनको आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है। फर्स्ट जो है वो हार्ट अटैक ही आता है, सेकेंड डिप्रेशन है, थर्ड कॉमन वो स्ट्रोक है, फोर्थ कॉमन इज लंग कैंसर, फिफ्थ कॉमन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड आफ्टर दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड स्मोकर्स लंग। स्क्रीनिंग फॉर वुमेन्स हेल्थ इश्यू, बेटा आप जब वुमेन्स की हेल्थ, जैसे हमने पहले एडल्टहुड में बात की थी या चाइल्डहुड में बात की थी, कि जब भी वुमेन हेल्थ की स्क्रीनिंग आप करते हैं, सॉरी उनकी जब आप स्क्रीनिंग करते थे तो उनसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते थे ना, सेम इज हियर इन वुमेन्स हेल्थ, कि आपने अब उसकी स्क्रीनिंग करनी है तो आप पहले उससे क्वेश्चनिंग करेंगे। उसमें आपको बेटा, आपको पता होगा कि वुमेन की जो हेल्थ है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू इट्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड, राइट, एंड इट्स प्रेगनेंसीज। अब इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आपने उनसे स्क्रीनिंग क्वेश्चंस ये करनी है कि उनका प्रेगनेंसी के बारे में क्या कंसर्न है। अब ये जो है दोनों तरफ बात आ जाती है कि जैसे आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में जो लो पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि दे जस्ट कीप ऑन गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विदाउट एनी कंसिडरेशन अबाउट देयर ओन हेल्थ, राइट। तो अब क्या होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, बच्चे पैदा करी जाते हैं, तो यू आर आस्किंग अबाउट दैट कि आपका प्रेगनेंसी के बारे में क्या कंसर्न है, या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के बारे में कभी सोचा है। एक तो पॉइंट ये बनता है, दूसरा पॉइंट ये बनता है कि फीमेल कम्स टू यू विद वन बेबी या उसका बेबी नहीं है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, तो यू नो दैट कि हर बॉडी नीड्स टू बी प्रेग्नेंट एंड मे बी हर बॉडी नीड्स दैट हार्मोन्स। तो आप उसे पूछते हैं कि आपका प्रेगनेंसी के बारे में क्या कंसर्न है, या आप किस टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, कि मे बी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से उसकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही हो। ठीक हो गया। फिर जो है फीमेल्स में मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। आपने फीमेल से पूछना है कि आपका इस चीज के बारे में क्या कंसर्न है, इन कैंसर्स के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है, कोई अवेयरनेस है, या आप इनकी एग्जामिनेशन के बारे में क्या सोचते हैं कि इनकी एग्जामिनेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। फिर आपने उससे पूछना है कि व्हाट इज हेल्थ टू हर, व्हाट इज अ प्रॉपर डाइट टू हर, एक्सरसाइज के बारे में वो क्या कहती है, यूज ऑफ सिगरेट या अल्कोहल के बारे में उसके क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है, या उसकी लाइफ में किस किस्म के स्ट्रेसर्स हैं। एवरीबॉडी हैज सम स्ट्रेसर्स इन लाइफ, लेकिन क्या होता है कि मेल्स जो है वो तो बाहर सोसाइटी में मूव करते हैं, अपना काम में ध्यान लगा लेते हैं, जैसे भी करके उनके स्ट्रेसेस किसी हद तक जो है वो क्योर हो जाते हैं, लेकिन फीमेल्स जो है स्पेशली जो घर में रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो घर पे ही होती है ना, तो उनके जो स्ट्रेसेस हैं दैट आर अफेक्टिंग देयर हेल्थ, उनको किस टाइप का स्ट्रेस है, उन्हें बच्चों का स्ट्रेस है, उन्हें कोई डोमेस्टिक स्ट्रेस है, ठीक है, ऐसे क्या अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है। फिर आपको पता होगा कि आपके पास जो भी मोस्टली फीमेल्स आएंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंप्लेनिंग दैट दे हैव अनयूजुअल पेन इन देयर बॉडी, एंड एवरी टाइम दे आर फीलिंग फटीग, right? So why are they feeling fatigue? Why they have these unusual pain? Because they are not concerned about their health. वो दूध नहीं लेती, वो fruits नहीं लेती, वो proper diet नहीं करती, वो proper rest नहीं करती, वो अपने आप को happy रखने के लिए कुछ नहीं करती. They are every time in a depression and every time in a pressure. ठीक हो क्या? फिर आप उनसे पूछें कि आप क्या रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं कैंसर या ऑस्टियोपोरोसिस के या हार्ट डिजीजेस के, उनके बारे में अवेयरनेस है आपको, कि हाँ जो वेट गेन है या ऑयली फूड है या अपनी डाइट का कंट्रोल ना रखने से आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है।
देन 6 times मोर वुमेन डाय ऑफ हार्ट डिजीज देन ब्रेस्ट कैंसर. ये तो आपको पहले ही पता है कि जो हार्ट डिजीजेज है दैट आर एट द नंबर वन पॉइंट. सो 6 times मोर वुमेन आर अफेक्टेड बाय हार्ट डिजीज एज दे आर अफेक्टेड बाय ब्रेस्ट कैंसर. ठीक हो क्या? फिर आपने उस फीमेल से पूछनी है कि वो क्या प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग अपनी करवाती है. अब आ जाती है हेल्थ प्रमोशन. बेटा हेल्थ प्रमोशन आपने क्या करनी है? अर्ली हेल्थ केयर मीन्स कि अर्ली एज क्या है कि एक फीमेल अपने 20s में अपनी 30s में ही अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल करना शुरू करे. अगर वो 40s में शुगर जो है वो एग्जिट करती है अपनी डाइट से, वॉक स्टार्ट करती है, तो बेटा ठीक है, फायदा है उसका, डेफिनेटली उसको करना चाहिए. बट अर्ली हेल्थ केयर रिक्वायर्स कि आप अपने 20s, अपने 30s, इवन अपनी टीनेज में भी अपने लेट एज का ख्याल करते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल करें. ठीक हो गया? हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें. प्री कंसेप्शन केयर इज दैट बिफोर प्रेगनेंसी वो अपना जितना ख्याल कर सकती है वो करे, प्रेगनेंसी के दौरान वो अपना ख्याल करे, फर्टिलिटी कंट्रोल करे, मींस दैट एक प्लान्ड नंबर ऑफ बेबीज होने चाहिए, प्लान्ड फैमिली होनी चाहिए. अनप्लान्ड अनवांटेड बेबीज दे एवरी टाइम दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ वुमेन. लाइक आपने देखा होगा कि एक बेबी हुआ है, she just passed the postpartum period and wo phir se pregnant hogi. Is that just with the baby or with the mother? No, it's seriously not just ki wo to uski to bhi pichli pregnancy se health cure nahi hui and again she is pregnant. और इसीलिए फिर आप देखें कि उसका first baby जो है वो बेशक healthy पैदा हो लेकिन second baby के साथ कोई ना कोई जो है issue होता है. ठीक है, तो पहले ही फीमेल को इस चीज के बारे में अवेयरनेस हो जा होनी चाहिए rather than कि वो बाद में इस चीज के heavy consequences bear करे. अब फीमेल्स को बेटा ऐसी क्या बैरियर्स आती हैं दैट डज नॉट सीक हर टू हेल्थ केयर? उसमें ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज. मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स डू नॉट हैव सच फाइनेंसेस. ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनको जो पॉकेट मनी मिलती है वो घर के एक्सपेंसेस में स्पेंड हो जाती है या फिर बच्चों पे स्पेंड हो जाती है. कल्चर ऐसा नहीं है, फीमेल अकेली जा ही नहीं सकती, फीमेल डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है. उस कल्चर में डॉक्टर्स इतने इजीली अवेलेबल है ही नहीं, फीमेल डॉक्टर्स इतने इजीली अवेलेबल है ही नहीं कि फीमेल उसके पास इजीली जा सके. जेंडर इशू इज ऑल्सो द सेम कि फीमेल्स हैं दे जस्ट कांट इजीली अप्रोच देमसेल्व्स टू एनी ऑफ द हेल्थ सेंटर. जैसे आप सिंपल सी एग्जांपल देख लें, ठीक है हम रिमोट एरियाज की बात तो बाद में करें, आप अपनी बात देख लें, आप सिंपली वॉक पे नहीं जा सकती. एवरी टाइम आप खुद को जिम ज्वाइन करना पड़ता है, वो भी आप ये देखते हैं कि वो जिम आपके करीब हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, सो दैट आपको किसी कन्वेंस की जरूरत ना पड़े. अब बॉयज के लिए इतना तो इजी होता है एटलीस्ट कि वो पार्क्स में वॉक या जॉगिंग भी इजीली कर सकते हैं. अगर उन्होंने जिम पे जाना है तो अपनी बाइक पे उन्होंने बैठ के चले जाना है, उन्हें क्या इशू है? कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्रीज हेल्थ रिस्क इन वुमेन. अब बेटा कौन से कंडीशंस हैं जो हेल्थ रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं? एज, ऑब्वियसली एज है, विद ए पासिंग एज है फीमेल की हेल्थ डिटोरिएट करेगी, तो एज इज अ रिस्क. जैसे एज रिस्क है हार्ट डिजीजेस के लिए, राइट? सोशल एंड कल्चरल. एक सोसाइटी में काम ही ये है कि जी औरत आए, बीवी आए, बच्चे पैदा करती रहे. ठीक हो गया, तो या उनके कल्चर में ही नहीं है कि फीमेल का भी ध्यान रखा जाए. ठीक हो गया, उसको भी प्रॉपर डाइट दी जाए कि अगर फीमेल को प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही, उसको नहीं मीट दिया जा रहा, उसको वेजिटेबल स्पेस सिर्फ रखा हुआ है, उसको एक बैलेंस डाइट नहीं दी जा रही, देन हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो एक हेल्दी लाइफ या हेल्दी फैमिली चला सके? ठीक हो गया, उसके अपने हेल्थ बिहेवियर्स ही नहीं है कोई, हेल्थ मतलब वो हेल्थ के बारे में उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, उसने कभी स्क्रीनिंग ही नहीं कराई, उसको अवेयरनेस ही नहीं है. स्मोकिंग करती है या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज करती है, न्यूट्रिशन उसकी प्रॉपर नहीं है, उसको स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, उसकी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनहेल्दी हैं. सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अनहेल्दी में आता है कि दैट शी इज नॉट फॉलोइंग अ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज फेसिंग मेनी ऑफ द इन्फेक्शंस, मेनी ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड मेनी ऑफ द वायरसेस आर एंटरिंग हर बॉडी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू कीप अ वन सेक्स पार्टनर एंड adopt healthy hygienic sexual practices. Anticipatory guidance for health promotion and illness prevention. अब हेल्थ प्रमोशन और इलनेस प्रिवेंशन के लिए क्या है? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज उसको रेगुलरली करनी चाहिए, अपने स्ट्रेस को वो मैनेज करे. स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने चाइल्डहुड लेवल पे भी देख लिया, आपने एडल्टहुड लेवल पे भी देख लिया, एक फीमेल पे लेवल पे भी आप देखेंगे वुमेन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी टाइम उसने घर में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मूड स्विंग्स को बेयर करना होता है, उनको काउंटर करती है.
ठीक हो गया, अगर वो कोई सब्सटेंस लेती है, कोई निकोटीन या कोई और सब्सटेंस अब्यूज करती है, तो शी शुड स्टॉप दैट. सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में आपको पहले बता चुकी है, शी शुड अडॉप्ट सेफ एंड हेल्दी एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. हेल्थ स्क्रीनिंग वो अपनी प्रॉपरली करवाए, अपनी जो हेल्थ रिस्क है उनकी प्रिवेंशन करें. अब बेटा गोल क्या है वुमेन हेल्थ का, क्या गोल है वुमेन हेल्थ का? यही गोल है ना कि एक ऑप्टिमम हेल्थ जो है वो वुमेन मेंटेन करे. अब एसेंशियल कंपोनेंट उस ऑप्टिमम हेल्थ का ये है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं या पोटेंशियल रिस्क जो उसकी बॉडी में है, पहले तो वो आइडेंटिफाई हो. ठीक हो गया, मींस कि उसकी स्क्रीनिंग हो ताकि उसके अंदर जो हिडन या अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स हैं वो पता चले. फिर उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग एजुकेट किया जाए और उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उसको डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, सो दैट वो सारे जो पोटेंशियल रिस्क हैं उनके इफेक्ट्स रिड्यूस हो सके. हेल्थ प्रमोशन में पेंडर जो है एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रमोशन इज द मोटिवेशन टू इंक्रीज वेलबींग एंड एक्चुअलाइज हेल्थ पोटेंशियल. ठीक है, वो कहते हैं कि हेल्थ प्रमोशन जो है वो मोटिवेशन से आती है. लाइक आप अगर किसी एक फीमेल को मोटिवेट करेंगे, उसे आप उसे बेशक ये सारा जितना ये वुमेन्स हेल्थ पे हम आज लेक्चर दे रहे हैं, आप उसे सारी ये मोटिवेशन दें, मे बी वो सिर्फ वॉक ही स्टार्ट कर दे, ठीक हो गया, या मे बी वो एक बैलेंस डाइट ही लेना स्टार्ट कर दे, वो कुछ तो स्टार्ट करेगी. सो हेल्थ इज ऑल अबाउट मोटिवेशन. प्रिवेंशन के बारे में भी कहते हैं कि अर्ली इलनेस को अवॉइड करें. ठीक है, इलनेस को आने ही ना दें. आपने क्यों वेट करना है ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का? आपने क्यों वेट करना है डायबिटीज का? आप ऑलरेडी अपनी जो इलनेसेस को अवॉइड करें, उसको आने ही ना दें. अगर खुदा ना खास्ता आ गई है तो उसको अर्ली लेवल पे ही ऑप्टिमाइज करके रखें, उसको फर्दर जो है वर्स्ट होने के लिए मत छोड़ दें. ठीक हो गया, न्यूट्रिशन में आपको जो चीजें वुमेन को इफेक्ट कर रही होती है उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फीमेल्स अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती. दूध है तो बच्चों को दे दिया, गोश्त है तो हस्बैंड को दे दिया, बच्चों को दे दिया. लाइक शी ऑल्सो नीड दैट, शी ऑल्सो नीड टू टेक कैल्शियम, शी ऑल्सो नीड टू टेक वाइटामिन, शी ऑल्सो नीड टू टेक ऑल द मल्टी वाइटम्स रिक्वायर्ड फॉर हर बॉडी. ठीक हो गया, ओबेसिटी, प्रॉपरली डाइट ही नहीं ली, जंक पे ही जिंदगी गुजार दी. ठीक है, तो ओबीज होगी, दैट इज ऑल्सो अ बैड न्यूट्रिशनल हैबिट. देन आर द ईटिंग डिसऑर्डर्स. दो बड़ी मेन टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर आपने एफएससी से सुनते आ रहे होंगे, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा का ये मतलब होता है कि फीमेल जो है वो मोटे होने के डर से खाती नहीं है. ठीक है, तो वीक होती जाती है. बुलिमिया नर्वोसा का मतलब ये होता है कि शी जस्ट कीप ऑन ईटिंग एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ दैट रिग्रेट के उसने बहुत कुछ खा लिया, वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर देती है. ठीक हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही होती है. और भी बहुत सारे इश्यूज हैं दैट आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. फिर है फिजिकल फिटनेस एंड एक्सरसाइज. फिजिकल फिटनेस एंड एक्सरसाइज में वही है जो हम ऑलरेडी एडल्टहुड में डिस्कस कर चुके हैं कि 30 मिनट्स की एक ऑप्टिमम एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है. उसके अंदर आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, एनारोबिक करें, आप वेट बेरिंग करें, एक कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करें, अपनी एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करें. ठीक हो गया, अब फिजिकल फिटनेस में वो कह रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, जिस तरह आपको पहले मैंने बताया था कि ड्यूरिंग एवरी एक्सरसाइज आपको अपना ब्रेथ कंट्रोल करना आना चाहिए. ब्रेथ कंट्रोल मींस कि एक्सरसाइज के दौरान अपना ब्रेथ होल्ड ना करें, अपने आप को ऐसे ट्रेन करें कि दैट विद एक्सरसाइज, विद वेट लिफ्टिंग, विद एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेंथनिंग, आप अपनी ब्रीदिंग को भी कंटिन्यू रखें. वेट बेरिंग, फिर ये अब फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं, आप उन्हें चाहे जितनी भी रिकमेंडेशंस देते जाए कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, आपने वो एक्सरसाइज करनी है, वो क्या करती हैं कि एवरी टाइम व्हेन दे आर बेड, व्हेन दे आर ऑन बेड, तो उनको याद आता है कि हमने एक्सरसाइज करनी थी, एंड दे जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, एंड दे जस्ट कंसीडर दैट एक्सरसाइज कि मेरी एक्सरसाइज होगी. है बेटा ये नहीं, एक्सरसाइज होती ठीक है, कभी कभार कर ली, बट एक्सरसाइज के अंदर सारे कंपोनेंट्स आते हैं. वेट बेरिंग पोजीशन में मतलब कि वो बैठ के भी एक्सरसाइज करे, वो खड़े होके भी एक्सरसाइज करे. वेट लिफ्टिंग का आपको पता है, अगर वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती तो उसका कोई ऑल्टरनेट यूज करे. कीगल एक्सरसाइजेस फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी और पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी. आप कीगल एक्सरसाइजेस में आप क्या करते हैं कि जो आपके स्फिंक्टर्स होते हैं उनकी बेसिकली ट्रेनिंग है कि आप अपनी जो है इस तरह स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करें एज इफ यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर यूरिन, जैसे यूरिन होल्ड करने के लिए करते हैं. ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करें, 6 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स.
फिर उसके बाद इस चीज को 10 times रिपीट करें, 20 times रिपीट करें, 30 times रिपीट करें. दीज आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर इनकॉन्टिनेंस एंड पेल्विक कंट्रोल, पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग. फिजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस. अब बेटा किस तरह पता चलता है कि इस पर्सन को स्ट्रेस है? ऑब्वियसली उसको हेडेक रहता है, वो डिजी फील करती है, फेंटनेस उसको होती है, मसल टेंशन रहती है, बैक एक रहती है, अपने टीथ को ग्राइंड करती रहती है, स्किन रैश उसको होते हैं या उसकी पाम्स के ऊपर स्वेट होता है. ठीक हो गया, उसको इनडाइजेशन होती है, डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन होगी या वॉमिटिंग होगी, ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एपिटाइट लो हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, हार्ट पाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंट उसको कोल्ड और चेस्ट पेन फील करती है वो. फिर उसके बाद है रिस्क फॉर कैंसर. बेटा जो कैंसर फीमेल्स के अंदर कॉमन है, नंबर 1 इज सर्वाइकल कैंसर, 2 इज एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियम इज यू नो द लाइनिंग ऑफ यूट्राइन, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर एंड स्किन कैंसर. रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइकल कैंसर के रिस्क में कह रहे हैं कि सिगरेट स्मोकिंग उसमें आती है. ठीक हो गया. HPV. HPV is human papilloma virus. This is also a virus that causes sexual transmitted disease and multiple sexual partners. ठीक हो गया. These are the risk for cervical cancer. Risk for endometrial cancer. Endometrial cancer के risk क्या है? Nulliparity. Nulliparity का मतलब ये होता है कि कोई भी pregnancy जो है वो more than 20 weeks तक continue ही नहीं हुई. लाइक 20 weeks से पहले पहले ही प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, मिस कैरेज हो जाता है या सेल्फ इंड्यूस अबॉर्शन होता है. ठीक है. अनअपोस्ड एस्ट्रोजन थेरेपी. अब एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, एक फीमेल हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन का एक गलत यूज होता है. लाइक जो एस्ट्रोजन है इसने करनी होती है आपके सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स जो है उसको इनहांस करना होता है. तो समटाइम्स द फीमेल्स जस्ट टू गेन फिगर ऑफ देयर चॉइस, मतलब कि अपनी जो ब्रेस्ट है उसकी एनलार्जमेंट के लिए वो एस्ट्रोजन थेरेपी करती हैं. ठीक हो गया. दैट इज लीडिंग कॉज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. इनफर्टिलिटी. ठीक है. डायबिटीज मेलाइटस, अर्ली मिनाक. अर्ली मिनाक मीन्स कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो अर्ली लाइफ में स्टार्ट हो गए. लेट मेनोपॉज, जो मेनोपॉज है वो एक्सपेक्टेड एज से लेट हुआ है. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन स्टॉप जो है वो एक्सपेक्टेड एज से लेट स्टॉप हुआ है. रिस्क फॉर ओवरियन कैंसर. ओवरियन कैंसर में फैमिली हिस्ट्री होती है, हैविंग नो चिल्ड्रन, हैविंग चिल्ड्रन लेट इन लाइफ. ठीक हो गया. रिस्क फॉर अदर दूसरे गायनेकोलॉजिकल कैंसर में आते हैं कि जो वुवला एंड वजाइना में कैंसर है दैट हैज बीन लिंक्ड टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस. ठीक हो गया. आपके जो जेनिटेलिया ऑर्गन्स में जो कैंसर है दैट आर ऑल्सो लिंक्ड टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस. रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी फैमिली हिस्ट्री है, अर्ली मिनाक है, लेट मेनोपॉज है, नलीपैरिडी है, हैविंग चिल्ड्रन लेट इन लाइफ एंड एस्ट्रोजन थेरेपी. एनवायरमेंटल एंड वर्क प्लेस हैजर्ड्स. अब एनवायरमेंट्स में या आपकी वर्क प्लेस में क्या एक फीमेल्स को हैजर्ड्स होती हैं कि मेनी पैथोजेंस लाइक वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स आर अटैकिंग देम. सो दैट्स व्हाई द फीमेल्स आर ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड टू वेयर एनी टाइप ऑफ अंडरगार्मेंट्स व्हेन दे आर ऑन देयर वर्क और द यूनिवर्सिटीज बिकॉज देयर जेनिटल ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू सच टाइप ऑफ वायरसेस एंड पैथोजेंस. सो दे मस्ट टेक केयर ऑफ देम अबाउट दैट. स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब बेटा कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में क्या आता है? ऑब्वियसली वर्क है, फैमिली है, हेल्थ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सराउंडिंग्स है, स्कूल, नर्सिंग एंड अदर सब्सटेंस जो जिनको आप सीज कर देना चाहिए. अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसको सीज करें, टोबैको लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कैफीन लेते हैं तो उसको सीज करें. टोबैको यूज की सीजेशन में 4 A's आते हैं. 4 A's में ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूछूंगी. फर्स्ट ए इज आस्क, पूछे उससे, वो लेती है झूठ बताती है तो असेस करें कि इधर शी इज लाइंग और शी इज ट्रू अबाउट दैट. अगर वो लेती है तो उसको एडवाइस करें नॉट टू टेक दैट. एंड अगर वो उसको छोड़ना चाहती है तो यू मस्ट असिस्ट हर इन लीविंग दैट. ठीक है. एज यू ऑल नो कि इट्स नॉट इजियर, इट्स नॉट सिंपल टू लीव दैट अर्जेंटली. आपको उसकी प्रॉपर हेल्प करनी पड़ेगी. अब है हेल्थ स्क्रीनिंग. हेल्थ स्क्रीनिंग में है फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट. इसमें बेटा
एज इन यू आर एडल्ट इनफ, आपको पता है कि फीमेल्स को किन किन टेस्ट की जरूरत है, उससे अपना अपने CBC करवा के रखने चाहिए, हेपेटाइटिस टेस्ट करवा के रखने चाहिए, TB के लिए टेस्ट करवा के रखना चाहिए, वो फ्रीक्वेंटली जो है अल्ट्रासाउंड करवाए, जरा भी कोई भी मेंस्ट्रुएशन में जो है वो डिफरेंस आ रहा है तो शी मस्ट, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन से डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो शी मस्ट गो फॉर अल्ट्रासाउंड, कि उसको पता चले कि उसको कोई जो है वो PCOS तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है ओवरीज में, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन आप जब जाएंगे उसमें रोटेशन पे जाएंगे तो आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सिखाया जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। वैसे फिजिकल एग्जामिनेशन कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए मस्ट है कि वो फीमेल्स करवाएं, लाइक आप अपने घर में या फिर बाकी जो भी नियर बाय आपके फीमेल्स हैं आप उनको मस्ट गाइड करें कि आफ्टर दे हैड पास देयर एज ऑफ 40 तो वो अपनी बॉडी पे कोई अनयूजुअल लंप, अनयूजुअल ट्यूमर, अनयूजुअल चेंज इन स्किन कलर उसको इग्नोर मत करें, एंड आफ्टर एवरी 4 मंथ्स दे मस्ट गो फॉर ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन। और इसके लिए अब पाकिस्तान में बहुत सारी जो है वो चल रही है, NGOs भी काम कर रही है, बहुत वेलफेयर इसके लिए काम कर रही है। हो गया अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाए, हाइट एंड वेट को मॉनिटर करके रखे, पेल्विक एग्जामिनेशन करवाए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाए, स्किन एग्जामिनेशन करवाए, ऑरल कैविटी एग्जामिनेशन में उसके टीथ गम्स और ऑरल कैविटी आ जाती है, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करवाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पेपेनिकोलोकोस्मियर है एंड मेमोग्राफी है, फीकल ऑक्लर ब्लड टेस्ट है, जो ये ऊपर जो स्मियर टेस्ट है दैट इज फॉर सर्वाइकल कैंसर, मेमोग्राफी जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है, फीकल ऑक्लर टेस्ट सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी जो है ये कोलोन कैंसर के लिए होती है, ठीक हो गया। फिर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अपना कराए, अपनी हेयरिंग की स्क्रीनिंग करवाए, आई एग्जामिनेशन करवाए, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की स्क्रीनिंग करवाए, TB टेस्ट करवाए, एंडोमेट्रियम की मींस के अपने यूट्राइन की लाइनिंग की वो बायोप्सी करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए वो अपने एब्डोमेन की, ठीक हो गया। हेल्थ रिस्क प्रिवेंशन में ये है कि ऑब्वियसली शी मस्ट प्रिवेंट इंजरीज, डिजीज़ को प्रिवेंट करें, आप उसको एजुकेट करें, सेफ्टी गाइडलाइंस वो यूज करें, अपने आप को इम्यूनाइज करवा के रखें, और इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि शी मस्ट यूज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, शी मस्ट वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, और वो ड्राइव सेफली करे, और अगर कोई वाटर स्पोर्ट्स या इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व है तो वाटर सेफ्टी मेजर्स वो अडॉप्ट करे, ठीक हो गया। सन से डायरेक्टली एक्सपोज मत हो, शी मस्ट ऑलवेज यूज सम टाइप ऑफ सन ब्लॉक्स, राइट। एंड फायर हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है वो केसेस सुने होंगे कि फीमेल गॉट बर्न इन हाउस, तो कोई आप स्मोक अलार्म या फायर अलार्म मस्ट अपने घर के अंदर रखें, अपनी जो स्टेयर्स हैं स्टेयर से गिर जाती हैं फीमेल्स, बिकॉज एवरी टाइम दे आर मल्टीटास्किंग एंड दे जस्ट कीप ऑन हरिंग हेयर एंड देयर, सो दैट्स व्हाई उनमें फॉल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्टेयर्स जो है उनको क्लीन रखें, उनको कारपेटेड रखें, उनके अराउंड कोई प्रॉपर रीलिंग हो जिनको वो होल्ड करके वो मूव कर सके, ठीक हो गया। अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है, डाइट एक्सरसाइज हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस को रिड्यूस करे, अपना एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन करवाए और अपने हैंड वॉश करवाए प्रॉपरली करती, ठीक हो गया जी।